हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं जो कि आपके लिए वर्कशीट, जो कि माह मार्च की वर्कशीट है। ये आपकी कक्षा सातवीं का वर्कशीट रहेगा। इसमें आपको विषय दिया गया है जो कि संस्कृत का विषय है। इसमें आपको पहले बता देता हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको अनगमी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो कि निर्देश दिए हैं विद्यार्थियों के लिए, कुछ निर्देश हैं तो आप इनको रीड करिएगा। इसको आप रीड कर लेना है और इसके बाद आपके लिए दिया गया है विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम फिल करना रहेगा और नेक्स्ट दिया गया पिताजी का नाम आपको फिल कर देना है और इसमें कक्षा का नाम फिल कर दीजिए। इस खंड में कक्षा का नाम फिल कर दीजिएगा और इसमें शाला का भी नाम लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फिल कर देना है। ये बॉक्स की कॉलम दिया गया है और इसके बाद जो कि नीचे भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, तो इनको आप एक बार रीड जरूर कीजिए, जिससे आपको वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी आएगी। इसके बाद मैं बता देता हूँ आप सभी के लिए, जो कि इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया है, जो कि अपन बोल सकते हैं इसमें खंड आ पूर्ण रहेगा आपका, 30 मार्क्स का पूरा रहेगा। इसमें क्वेश्चन आ वाला दिया गया है, क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन फर्स्ट है, जो कि आ बोल सकते हैं अपने से। इसमें दिया गया है प्राचीन भारत है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका इति पाठ आधारेण प्रश्नानाम और चित्राणी संस्कृते लिखत। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें भी आपको पूरा फिल कर देना है। इसे आप रीड करके पूरा फिल कर दीजिएगा और इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इन्हें रीड करके पूरा फिल कर देना है। 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स में। इसके बाद आता है आपका जो कि, इसके बाद मैं बता देता हूँ जो कि आपका आने वाला है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया, तो आपने इसको फिल कर देना है पूरा रीड करके, एक तरीके से आपको पूरा फिल कर देना है। तो इसमें आपको लिए दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, ये अपन खालिस्तान ही बोल सकते हैं, ये अपन फिल कर देना है आपको पूरा पढ़ के आपकी बुक, वो संस्कृत की बुक में से। और देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड आता है जो कि आधु लिखित गद्यांश पठित प्रश्नानाम उचित्राणी संस्कृत लिखा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आने वाला, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा और इसमें आपको पूरा ये संस्कृत का पूरी तरीके से आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, पूरा पैराग्राफ दिया गया, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और इसमें से आपको पूरा रीड करना है, एक बार पढ़ना है पूरा समझ के। इसमें आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो 4 आपके लिए क्वेश्चन आंसर उस पैराग्राफ में से आपको रीड करके ये पूरे आंसर लिख देना है। हालांकि इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा इस तरीके से। और इसके बाद मैं बता देता हूँ जो कि है, यहाँ से तीसरा स्टार्ट होता है क्वेश्चन थर्ड। इसमें भी आपको ये श्लोक दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड में है, इसमें लिखा दिया है, मैं एक बार बता देता हूँ आपके लिए। अधोलिखितम पद्य पठित्वा प्रश्नानाम उचित्राणि संस्कृते लिखत। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आने वाला है, हेडिंग रहेगी, तो आप इसको रीड कर लीजिए। इसमें आपको श्लोक दिया गया है, श्लोक में से इस बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जो कि पहला क्वेश्चन था उसमें आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर लिखने थे, ये श्लोक में से क्वेश्चन आंसर आपको लिखना रहेगा, तो आप लिख दीजिएगा। जो कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कसिम विद्यांत भावदी, इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद यहाँ से आता है क्वेश्चन फोर, यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न 4, ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी श्लोक लिखित रहना है, पठ्यवन स्वयं पाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखा था, इसमें आपको श्लोक लिखना है, एक श्लोक लिखना है आपकी जो कि पाठ्यक्रम पुस्तक में हो और इस प्रश्न पत्र में ना हो, जो कि इसमें प्रश्न पत्र में ये इस तरीके से श्लोक ना आया हो वो आप लिखना है, अपोजिट इसका श्लोक लिख देना है आपकी पाठ्यक्रम बुक में से, ठीक है। इसके बाद मैं बता देता हूँ क्वेश्चन फाइव यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि निर्देश अनुसार उचित उत्तर लिखा था, निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है आपको। इसमें नीचे निर्देश दिए गए, इसमें आपको आधा आधा करके क्वेश्चन लिखना है, इसमें डिवाइड करके लिखना है। इसमें क्वेश्चन दिया गया, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें नीलम कमलम इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से आधा आधा हो जाएगा, तो आप इसको लिख दीजिएगा। इसमें लिखिए राष्ट्रभक्त, दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्र भक्ता है, इसमें आ जाएगा राष्ट्रस्य भवता है भक्ता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको इसको फिल कर देना रहेगा, तो आप फिल कर दीजिएगा। और इसके बाद आता है खा नंबर, पहला ये आ जाएगा खा नंबर का अक्षर, क्वेश्चन फाइव का खा नंबर का अक्षर वो उपसर्ग, उपसर्ग आना है प्रयोजित पद निर्माणम कुरत, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये लिख देना है, ये क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसमें भी आपको लिख देना है आ गच्छन्ति, इसमें क्वेश्चन आसा आएगा, तो आगच्छन्ति उसमें आ जाएगा, आगच्छन्ति पूरा आपको मिला के लिख देना है। इसमें आपको आधा आधा करके लिखना है, इसमें पूरे नेक्स्ट वाले में पूरा मिला के लिख देना है। और इसके बाद मैं बता देता हूँ जो कि इसमें दिया गया है 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इसमें भी आपको ऐसा ही करके लिखना है, इसमें आपको लिखना रहता है धातु प्रत्यय करके लिखना है, धातु प्रत्यय चा युजित वा उचित वा पद निर्णायाम कृत, इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, धातु शब्द का प्रयोग करके ये क्वेश्चन लिखना रहेगा। इसमें आपको लिखना है, इसमें आ जाएगा ये क्वेश्चन आंसर दिया गया, तो आंसर फिल कर दीजिएगा। इसमें 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, पद कर्तवा
इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप ये रीड करके लिख लीजिएगा। देन इसमें आता है क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन सिक्स प्रश्न छठा रहेगा आपका, अधोलिखताम प्रश्नायाम रक्षात्मा पाठ से अयोध्या चित्रवा, इस तरीके से लिख के आपको क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा लिख देना है आपको, जो कि ये चित्र दिया गया है, इसमें से चित्र में से भाई बहन के लिए ये चित्र दिया गया है, बांध रही है राखी, बहन अपनी भाई के लिए राखी बांध रही है, तो इसमें आपको लिख देना है एक से लेकर पाँच तक ये पॉइंट लिख देना है। तो इसमें आपको जो कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है इस चित्र में, तो आप इसमें से जो कुछ भी है तो आप पाँच पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। देन इसके बाद मैं बता देता हूँ 12 नंबर की एक्सरसाइज, जो कि यहाँ खंड वाय स्टार्ट हो रहा है परियोजन कार्य, इसमें आपको लिख देना है, जो कि आपकी क्वेश्चन 7 दिया गया है इसमें से, तो आप ये लिख दीजिएगा। इसमें आपको ये चित्र बनाना रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है तो आप ये रीड करके लिख दीजिएगा। और देन इसके बाद मैं बता देता हूँ आपके लिए, ये चित्र दिया गया है तो इसमें आप मछली देख सकते हैं, तालाब घर पेड़ वगैरह बने हुए, यहाँ से सड़क भी आ रही, तो इस तरीके से आपको इसमें जो कुछ भी पूछा गया है तो इस तरीके से आप इसमें ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा। एक वाला एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ के बता दूँ, जो कि क्वेश्चन 4 वाला है, तृतास्त्र मासास्त्र क्रम किम निर्णायाम आक्रोता, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन रीड करके लिख देना है। हालांकि मैंने इसको सॉल्व पूरा कर दिया है सभी के लिए, तो इसको आप रीड करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो को आप पॉज करके आप देखते रहिएगा। और इसके बाद मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट मैं लाया था, तो आप प्लीज़ इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो पर नए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ आपको इतना सा भी आपको समझ में इस वीडियो में आया है पूरा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।